होता है। यो मशीन इसलिए मंगाई है, इसलिए मंगाई है, गन्ना खराब ना करे जी, इसकी जुताई गुड़ाई सही करे। अच्छा, अभी तक जो हम नराई गुड़ाई कराते थे वो किस तरह से कराते थे? वो मजदूरों के माध्यम से होती थी। क्या खर्चा लगभग एक एकड़ का आता होगा? खर्चा वही 3,000-3,200। 3,000-3,200 मिनिमम जी। तो अभी जैसे इस मशीन को देख रहे हैं, इस मशीन से कितना डाउन हुआ खर्चा अपना? 500 रुपए का होगा। 500 रुपए। तो इससे क्या क्या काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जुताई, गोल चढ़ाई जी, और पानी में किचड़ करनी हो तो वो सब कुछ इससे होगा। अच्छा, वो सारे काम कंपनी ने कुछ गारंटी वारंटी पीरियड रखा होगा? एक साल की। सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार वाला नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई शानदार और फ्रेश यूनिक वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि हम आपको एग्रीकल्चर से संबंधित तरह तरह की इम्प्लीमेंट की वीडियोस दिखाते रहते हैं। बहुत सारी वीडियोस दोस्तों हमने पावर टिलर की रिव्यू किए हैं कंपनी में जाकर, लेकिन अब हमारा जो उद्देश्य है वो ये है, हमारे किसान भाइयों को प्रॉपर सच्चाई दिखाई जाए डायरेक्ट किसानों के खेतों में जाके इन मशीनों से संबंधित। तो दोस्तों, जहां मैं आज खड़ा हुआ हूं वो प्रॉपर गन्ने का गढ़ माना जाता है, जिला बिजनौर, और दोस्तों जो जगह है वो सोहारा के बिल्कुल करीब में है। गांव का नाम भी पूछेंगे, संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो खेत है दोस्तों ये प्रॉपर गन्ने का खेत है एक, और यहाँ पर जो दोस्तों गन्ना लगा हुआ है पेट्रो विधि द्वारा लगा हुआ है। ये भी जानकारी करेंगे कि पेट्रो विधि में गन्ने का उत्पादन कहाँ तक जो है जाता है और कितना रहता है। तो आइए दोस्तों, मिलाता हूँ हमारे कुछ किसान भाइयों से, जो दोस्तों इस मशीन को चलाकर अपने खरपतवार का सफाया अपनी खेती से, अपने गन्ने से वो कर रहे हैं प्रॉपर। आइए दोस्तों, जानकारी करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दीजिए, जहाँ हम और आप खड़े हैं वो जगह कौन सी है और आपका नाम क्या है? ये मेरा नाम कौशल है जी, गाँव पालनपुर है जी, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में आता है। बिल्कुल। तो भाई साहब, अभी जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, एक गन्ने का खेत है प्रॉपर, ये गन्ना जो है पेट्रो विधि द्वारा लगाया गया है। तो अभी प्रॉपर हम देख रहे हैं इसके अंदर जो है सरसों की बिजाई भी की गई थी साथ साथ। हाँ, लेते हैं। तो आपने इस मशीन को क्यों चुना ट्रैक्टर को छोड़ के? ट्रैक्टर की बुआई करने से चौड़ा हो जाएगा, उसमें एवरेज घट जाएगा जी, एवरेज घट जाता है उसमें। एवरेज तो घटेगा ही नहीं, खरपतवार निकालने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए अगर ट्रैक्टर चलाएंगे जी तो वो चौड़ी उससे बोना पड़ेगा। बिल्कुल। जब चौड़ी से बोंगे तो एवरेज घट जाएगा, एवरेज घट जाएगा। और अगर इसी में जुताई चलाएंगे तो इसमें ट्रैक्टर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा भी तो जो है तोड़ता हुआ चलेगा पौधे को बहुत ज्यादा। अगर यहाँ से चला भी जाएगा तो लास्ट में जाएगा, ये पत्ते जब फैल जाते हैं तो उससे थोड़ा। बिल्कुल जी। तो इस वजह से यो मशीन इसलिए मंगाई है, इसलिए मंगाई है, गन्ना खराब ना करे जी, इसकी जुताई गुड़ाई सही करे। अच्छा, अभी तक जो हम नराई गुड़ाई कराते थे वो किस तरह से कराते थे? वो मजदूरों के माध्यम से होती थी। क्या खर्चा लगभग एक एकड़ का आता होगा? खर्चा वही 3,000-3,200। 3,000-3,200 मिनिमम जी। तो अभी जैसे इस मशीन को देख रहे हैं, इस मशीन से कितना डाउन हुआ खर्चा अपना? 500 रुपए का होगा। 500 रुपए, क्योंकि हर तरफ किसान को देखना पड़ता है। गन्ने के भाव तो पहले से ही जो है गवर्नमेंट ने बांधे हुए हैं, बढ़ा के दे ही नहीं रही है, लागत जो है बढ़ गई है। इस बार तो उत्पादन भी बहुत कम देखने को मिला, उत्पादन कम हो गया, रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है जी। 20 रुपए बढ़े ये। बिल्कुल। हाँ, तो ये अगर टेक्निक से खेती ना करेंगे तो घर जोर देना पड़ेगा। अभी अभी जैसे हमारे किसान भाई इस मशीन को देख रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया सर? यो थीम इस पे पहले भी जी। अच्छा, पहले से भी चला जी, रहे हैं जी, जी, जी। अभी जैसे मशीन देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एग्रीकट करके, एग्रीकट तो की है। एग्रीकट ये मतलब ऑनलाइन मंगाई थी कैसे? ऑनलाइन ही थी, वीडियो देखी थी इसकी। अच्छा, अच्छा। वीडियो देखने के बाद वो फिर बुकिंग के लिए पैसे डाले 5,000 रुपए। अच्छा जी, वो लेके आ गए इसे। बिल्कुल। तो इससे क्या क्या काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जुताई, गोल चढ़ाई जी, और पानी में किचड़ करनी हो तो वो सब कुछ इससे होगा। अच्छा, वो सारे काम जो है कर सकते हैं जी, सब करेंगे। अच्छा, अभी तो जैसे आप तो गन्ने के किसान हो जी, कुछ किसान भाई इस तरह के भी वीडियो देख रहे होंगे कि वो सब्जी की खेती करते हैं प्रॉपर। हाँ, तो बेड बनाने का काम है, बहुत बढ़िया बेड बनेगा, इससे बेड बन जाएगा बिल्कुल प्रॉपर जी। अच्छा, और क्या खासियत, जैसे घंटे भर हम इससे काम करते हैं, कितना काम हो जाएगा, क्या डीजल की खपत रहती है? घंटे भर काम करोगे तो तुम इससे 1-1.5 बीघे जमीन निकाल देगी और 700-800 ग्राम तेल। अच्छा, लेगी। मतलब जो है हम कहें 700-800 ग्राम तेल में 1-1.5 बीघा जमीन की जो है आराम से गुड़ाई कर देगी। और बेड अभी मतलब मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहें वो भी 1-1.5 बीघा आराम से चढ़ा देगी। अच्छा, और क्या खूबी है इस मशीन के अंदर? तो सारी खूबी है साहब, सारी खूबी। अच्छा, अभी सेल्फ स्टार्ट है, रस्सी से मैनुअल स्टार्ट है जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने एग्रीकट से खरीदी जो कि हरियाणा के अंदर पलवल में स्थित है कंपनी, ये तो मशीन के साथ क्या क्या इम्प्लीमेंट जो है कंपनी ने प्रोवाइड करा? मट्टी चढ़ाने वाले, जुताई करने वाले और पानी में किचड़ करने वाले जी, जी सब कुछ मिला है। और टायर लोहे के टायर है। अच्छा, लोहे के टायर भी दिए हैं। और ये जो रबड़ वाले ये किस टाइप के हैं? पंचर वगैरह? नहीं, पंचर नहीं, ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस है
बिल्कुल काफी अच्छी। अच्छा थोड़ा सा गियर के बारे में जानकारी दें, कितने दिन हो गए आपको परचेज किए हुए, खरीदे हुए कितने समय? 20 दिन हो गए। 20 दिन लगभग। तो चलाने में कोई असुविधा? नहीं कुछ नहीं, कोई वाइब्रेशन? नहीं कुछ नहीं। अच्छा गियर का प्रोविजन कैसे, गियर कैसे डालते हैं? गियर क्या, इसके ये 3 गियर लगे हुए हैं, हाई लो में, मतलब जिस टाइप का चाह कर दिया तो यो उसका टैरो वाला गियर पड़ गया, अगला वाला हाँ, पीछे कर दिया तो वो स्लो हो गया। बिल्कुल। इसे जब आगे स्टार्ट करके चलाओगे तो ये नीचे कर दिया। अच्छा, ये रूटर का गियर हो गया। अच्छा अभी जैसे आपकी हाइट ठीक ठाक है, कुछ किसान भाई इस टाइप पे भी होंगे, कुछ नाटक इसका स्टीयरिंग नीचे कर लो। अच्छा ऊपर नीचे भी हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, सारी जो है सुविधाओं से लैस है। तो किसान भाइयों मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, ये 9 HP डीजल इंजन के साथ आती है और दोस्तों इसको बोला जाता है बैक रोटरी। बैक रोटरी का काम दोस्तों मुख्यतः जो है बेड बनाने के लिए या फिर मिट्टी चढ़ाने के लिए या फिर गन्ने में नराई गुड़ाई करने के लिए काफी परफेक्ट मॉडल हमारे किसान भाइयों के लिए रहते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल देख रहे हो ये एग्रीकट का है, यहाँ प्रॉपर बैटरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर बाई चांस बैटरी में कोई दिक्कत आ जाती है तो किसान भाई यहाँ से रिकॉइल से भी स्टार्ट, यहाँ से जैसे इंजन हमारे किसान भाई पहले करते थे उसी टाइप से ये हो जाएगा। ये इसका एयर क्लीनर हो गया दोस्तों, ये साइलेंसर हो गया। और अभी कुछ जानकारी करेंगे हमारे किसान भाई से थोड़ी सी और, कि जैसे परचेज करने के बाद कोई दिक्कत आ जाती नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है ये नहीं। तो कंपनी ने कुछ गारंटी वारंटी पीरियड रखा होगा? एक साल की। और एक साल के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तब भी जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल उनके पास रहते हैं, जब कहोगे जब तैयार हो जाएंगे। जी जी जी, कोई ऐसी वो नहीं है कि कंपनी को जब फोन करो जब उठाते हैं। जी हाँ। अच्छा जैसे हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी दूर दराज से किसान भाई देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस मशीन के बारे में, फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? जी फायदे का सौदा है ऐसी महंगाई में। जी फायदे का सौदा है, एक तो लेबर समय से मिल नहीं पाती है, प्रॉपर लेबर ही मिले तो महंगी बहुत होगी। महंगी भी मिलती है क्योंकि सभी लोगों का काम जो एक साथ ही होता है। बिल्कुल। तो इन सारी समस्याओं से जो है इस मशीन को परचेज करके बिल्कुल निजात मिल सकती है। एक चीज और रहती है, मान लो जैसे हम युवा भाई हैं हमारे, वो इसे परचेज करते हैं, मान लो थोड़ी जमीन वाले भी परचेज कर सकते हैं अपना काम करने के बाद, वो अन्य किसान भाइयों की मदद करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, 2 से 3 हज़ार रुपए तक आराम से, 2 से 3 हज़ार तक आराम से कमा। बिल्कुल, हम कहें कि एक सीजन में मतलब अपना काम कर लेंगे और मशीन भी फ्री हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस बैक रोटरी पावर टिलर को लेकर दिखाई है, काफी परफेक्ट मॉडल है। हमारे किसान भाई इसका यूज करके खरपतवारों का सफाया प्रॉपर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, ये जो हैंडल है एडजस्टेबल है और आप देख सकते हो इसके अंदर जो टायर हैं वो सॉलिड हैं, ना तो इसमें हवा डालने की ज़रूरत है ना ही दोस्तों ट्यूब की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आशा करेंगे आज हमने आपको इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट किसान भाई के पास जाके संपूर्ण जानकारी देने की हर संभव प्रयास किया है। फिर भी अन्य कोई क्वेरी रहती है तो हम हमारे किसान भाई का नंबर इस वीडियो में मेंशन कर देंगे, वहां जाके हमारे किसान भाई जो है कॉल करके इस मशीन की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करेंगे वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।